लाइफ से, अपनी एक्टिंग की कला से लोगों का दिल लुभाने वाले नत्था एक बार फिर लौट के आ रहे हैं अपनी नई फिल्म मुन्ना मांगे मेम साहब के साथ। नत्था से जब हमने उनकी फिल्म के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि यह एक सिंपल लव स्टोरी है। पिपली लाइफ से अपनी पहचान बनने वाले नत्था एक बार फिर फिल्म करने जा रहे हैं जिसका नाम है मुन्ना मांगे मेम साहब। तो आइए नत्था जी से जानकारी लेते हैं कि यह फिल्म किस प्रकार से है। नत्था जी, सबसे पहले तलका 24 न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू। आपसे जानना चाहेंगे कि मुन्ना मांगे मेम साहब जो फिल्म आ रही है, आपकी किस प्रकार का किरदार आपका इस फिल्म में है? इसमें एक मुन्ना जो एक खूबसूरत नहीं है, बदसूरत है, जिसका शकल सूरत ठीक ठाक नहीं है, कोई पसंद नहीं करता है उसको। और एक दिन उसके माँ ये कह देता है कि भाई तुम्हें कौन कहता है कि तुम खूबसूरत नहीं हो, और तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें लोग क्यों नहीं खिलाते, क्या है पता नहीं, तुम निराश मत हो, तुम्हारा और तुम्हें तो मतलब तुम्हारी शादी किसी मेम साहब से होगा, ये कह देता है बस। तो उसको ही लेके फिर मुन्ना के दिमाग में ये हो जाता है कि मेरी शादी किसी मेम साहब से होगा। तो उस दिन से वो जब जवान हो जाता है तो शहर आ जाता है मुन्ना मेम साहब को खोजने के लिए, क्योंकि गांव में तो ऐसे कोई लड़की होता नहीं है जो कहते मेम साहब लगे उसको। तो शहर में आके देखता है जो जीन्स टी शर्ट पहने खड़ा ही है, उसके पास में जाके ये कहता है कि हमारा नाम मुन्ना है और मेरी माँ कहता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरा शादी मेम साहब से होगा, तुम मेरे से शादी कर लो। तो हर लड़की को जा जा के ये कहता है और पिटता रहता है बस। नत्था जी को उम्मीद है कि सिंपल लव स्टोरी फिल्म लोगों को बहुत पसंद आएगी। नत्था को हमने इंस्टेंट किरदार निभाते तो देख लिया है, अब उनका यह आशिकाना अंदाज देखने के लिए फिल्म के रिलीज का इंतजार होगा। इसमें अचानक अब उसका तो कुछ आदत ही बन जा रहता है ना कि हर लड़की को देख के शादी का ऑफर करने का। तो एक दिन उसको फॉरनर लड़की मिल जाती है, उसको रिक्शे में ले जाके घुमाता है बाजार वाजार, और जब उसको वो लड़की पैसा देने लगता है फॉरनर, तो कहते उससे भी ये बात कह चुका होता है कि मेम साहब हमारा नाम मुन्ना है और हमारी शादी मेम साहब से होगा, तो आप हमारे से शादी कर लो। तो वो समझती नहीं है हिंदी, तो कुछ पे कुछ बोल देता है, तो ये समझता है कि मतलब ये हंस देती है वो, तो लगता है उसको कि हाँ अब ये मेरे से शादी कर लेगा। जब पैसा देने जाती है तो वो पैसा नहीं लेता है, ज़बरदस्ती हाथ में पकड़ा देता है पैसा, हाथ को पकड़ के किस कर लेता है, चूम देता है। तो उसको लगता है कि ये बस इसका शादी, अब मेरा शादी इससे होने ही वाला है। तो मतलब वो उसको भी एक लगता है कि एक सही गार्ड ये मिला है जो मुझे घुमा रहा है इधर उधर। तो कुछ इस टाइप की कहानी है इसका, और इससे प्यार व्यार होता नहीं है ना, शादी भी नहीं होता है, ये उसको छोड़ के कहते वापस अपना देश चले जाते।